प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है और वह मुझको सभी चीज़ों की शिक्षा देता है और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करता हूँ और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं उसे स्मरण करके अपनी सभी कार्य करता हूँ और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्र में और संपूर्ण बुद्धिमता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं बला चरवाहा का अनुसरण करता हूँ और मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। किसी अपरिचित आवाज़ का मैं अनुसरण नहीं करूँगा। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमित है। आलेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन।